तो वहीं हल्द्वानी में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले अंबेडकर समाज के लोगों द्वारा रविवार शाम संविधान सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल से युवाओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर चलने का भी संकल्प लिया। वहीं राजपुरा वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू द्वारा संविधान सम्मान यात्रा में आए हुए लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। इसी दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज संविधान को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस सोच और संकल्प के साथ संविधान बनाया था उसे आज बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सबको एकजुट होने की जरूरत है, तभी जाकर हमारे देश का संविधान बच सकेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाबा साहेब जिन्होंने पूरा संविधान लिखा, जिनको संविधान के रचयिता के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में उनके संविधान समारोह रैली निकाली जा रही है, जयंती से पहले निकाली जाती है। तो इसमें मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आने वाली 14 तारीख को बाबा अम्बेडकर जी की जयंती हम भव्य रूप से मना रहे हैं। देखिए, आपने बोला कि बाबा साहब ने काम किए थे, बाबा साहब ने काम नहीं किए थे, ये हिंदुस्तान ही बाबा साहब के नाम पर चल रहा है। जो आज हम एक समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इवन हमें क्या कहते हैं खाने पीने और इज्जत से मान से रहने का सभी अधिकार ही बाबा साहब ने दिया है। और उनके ये जयंती पे ये मैं उत्तराखंड में आई और मेरी छोटी बहन हर साल ये यात्रा निकालते हैं, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपने इस अपने अंबेडकर जी को इतना सम्मान देते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। संहिता लगी हुई है, उसका पालन करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब अंबेडकर की जो 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, उससे पहले कभी चित्रकला प्रतियोगिता, कभी बाइक रैली, जैसे कि आज संविधान सम्मान रैली निकाली जा रही है। हमारे की भांति इस वर्ष भी संविधान सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। बाबा जी के जो 14 अप्रैल को जयंती है उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति उन तीन चार दिन पहले निकाली जाती है। इस बार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग एक हफ्ते पहले हमने संडे के दिन निकालने की ये समिति बनी थी पूरे अम्बेडकर समिति द्वारा। तो इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष हमारे द्वारा 1 क्विंटल फूलों से पुष्प वर्षा और शीतल पेय पदार्थों का वितरण किया जाएगा अम्बेडकर जो बाइक रैली है उन शोभा यात्रियों के ऊपर।